हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जो कि है स्टूडेंट शुगर इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर के अंदर और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ के अंदर। और 2010 और 11 में देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश अलोंग विद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। और हमने देखा कि धीरे धीरे शुगर मिल्स जो है वो इन सारे स्टेट्स में बढ़ता गया। नाउ 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन रिसेंट ईयर। और 60% मिल्स हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में, और मील्स आर शिफ्टेड टू द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट स्पेशली इन महाराष्ट्र बिकॉज। और महाराष्ट्र के अंदर भी क्यों शिफ्टमेंट देखा गया, बिकॉज शुगर कैन प्रोड्यूस इन द स्टेट हैज़ अ हायर शुक्रोज कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर शुक्रोज कंटेंट ज़्यादा देखा गया था कूलर क्लाइमेट की वजह से, जिससे कि लॉन्गर क्रशिंग सीजन में अच्छे से वो ग्रो कर पाए। एंड द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, देयर द शुगर मिल्स आर इंटीग्रेटेड इन द कॉपरेटिव सेक्टर। और यहाँ पर कॉपरेटिव अच्छे से सक्सेसफुल थे, इसलिए यहाँ पर आसानी से कॉपरेटिव सेक्टर बूम कर पाया। द साउथ हैज़ बेटर एक्सपोर्ट फैसिलिटी एज कम्पेयर टू नॉर्थ, और साउथ के पास एक्सपोर्ट फैसिलिटीज ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर चैलेंजेस फेस बाय द शुगर इंडस्ट्री। अब क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं शुगर इंडस्ट्री को। फर्स्ट, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि सीजनल में वर्क होता है बाकी टाइम नहीं होता। आउटडेटेड एंड इनफिशियंट मशीनरी की वजह से, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ये मेजर चैलेंजेस है जो शुगर इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री दैट यूजेज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स को और मेटल्स को यूज करती है रॉ मटेरियल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ बेसिक और की इंडस्ट्री, बिकॉज आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को बेसिक और की इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पुटअप होता है स्टूडेंट्स। ऑल अदर हैवी, मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द आयरन। जितनी भी हैवी है, मीडियम है, लाइट इंडस्ट्री, सब किस पर डिपेंड करती है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है फॉर देयर मशीनरी। सेकेंड, स्टील इज नीडेड टू मैनुफैक्चर लार्ज वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और स्टिल मैन्युफैक्चर करने के काम आता है बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम आता है, डिफेंस में काम आता है, मेडिकल में काम होता है, और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में काम आता है। इट इज़ अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल होता है, फिनिश गुड्स होता है, हैवी भी होता है और बल्की भी होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के अंदर हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्यों दिखाई देता है आयरन और स्टील का, क्या रीजंस है। फर्स्ट, ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, यहाँ पर जो कॉस्ट है आयरन ओर की वो कम होती है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इज प्रॉक्सिमिटी, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है इस एरिया के अंदर, चीप लेबर मिल जाता है। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और ग्रोथ की पोटेंशियल कैपेसिटी भी अच्छी रहती है। नाउ मेजर चैलेंजेस फेस बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, और क्या क्या मेजर चैलेंजेस है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट, हाई कॉस्ट है, लिमिटेड अवेबिलिटी है कुकिंग कोल की, लोअर प्रोडक्टिविटी है लेबर की, इररेगुलर सप्लाई है लेबर का इस वजह से, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। एक नोट में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जैसे पॉलिसी लाई गई थी लिबरलाइजेशन की, ट्रेड को फ्री करना, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एंटर करने में, और ट्रेड भी बहुत ईजिली हो पाया। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, और लाइट इंपॉर्टेंस है करोजन के लिए, और गुड कंडक्टर है हीट के लिए, मेलेबल है एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स बनाने के काम आती है। इट्स प्लांट्स आर लोकेटेड इन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नाउ कम नेक्स्ट, केमिकल इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग जो इंडस्ट्री है वो है केमिकल इंडस्ट्री। इसमें बहुत लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं, कंट्रीब्यूट करती है अप्रॉक्सीमेटली 3% GDP का। और जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज, सोडा ऐश एंड कोस्टिक सोडा, ये सब इंक्लूड होते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। नाउ कम्स नेक्स्ट, हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री।
यहाँ 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं नाइट्रोजीनियस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, 29 फॉर यूरिया है एंड 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट एज अ बाई प्रोडक्ट एंड 66 अदर स्मॉल यूनिट विच प्रोड्यूस सिंगल सुपर फॉस्फेट. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब आर द लीडिंग प्रोड्यूसर. ये सारे लीडिंग प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर के अंदर. नाउ कम सीमेंट इंडस्ट्री. इट इज असेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग होम्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, टाउन्स एंड फॉर अदर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट. सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज में, ब्रिजेस में, सब में काम आती है. इसके साथ इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की और हैवी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जैसे लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम. और इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो प्लांट्स है वो गुजरात के अंदर है और फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो सेटअप हुआ था वो चेन्नई में हुआ था 1904 के अंदर. नाउ कम नेक्स्ट इंडस्ट्री जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. इट प्रोवाइड्स विच फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह. एंड कार्स, ट्रक्स, एग्जाम्पल की बात करें तो बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सारी चीज़ें हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर. द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. ये सारे एरियाज है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है. नाउ कम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ये कवर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सच एज टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर्स. ये सारे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं. बेंगलुरु इमर्ज एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. बेंगलुरु को माना गया है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का. और इंडस्ट्री बिकम अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स. की बात करें तो बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट किया है आईटी सेक्टर के अंदर. एंड ईयर्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, प्रोसेसेस है, आउटसोर्सिंग है, ये सारी चीज़ें बढ़ावा दी है आईटी सेक्टर की वजह से. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज. ओवरऑल जितनी इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स. अब हम बात कर रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो पहला प्रॉब्लम में आ रहा है हमारा एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन किस किस से कॉज होता है? अनडिजायरेबल गैसेज है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. एयर बोन पर्टिकुलेट करता है मटीरियल कंटेंट बोथ सॉलिड वेस्ट भी और लिक्विड पार्टिकल्स भी लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट और स्मोक. और स्मोक जो इमिटेड होता है केमिकल से, पेपर से, फैक्ट्री से, ब्रिक्स, स्मोक इज इमिटेड बाई केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स. इन सब से हमें स्मोक जो नज़र आता है, धुआं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का. टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी डेंजरस विथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफेयर एज अ होल. और ओवरऑल एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन्स को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, बिल्डिंग्स को भी, एटमोसफेयर को भी बहुत प्रभाव पड़ता है इसके कारण. नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज. इट इज कॉज बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू रिवर. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि डिस्चार्ज होता है रिवर्स के कारण, तो वाटर पोल्यूशन इसके कारण क्रिएट होता है. एंड मेन कल्प्रिट जो है वाटर पोल्यूशन के लिए वो है पेपर पल्प, केमिकल टेक्सटाइल, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स एंड रबर एसेट्रा इनटू द वाटर बॉडीज, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. नाउ थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन जो है वाटर का वो अकर्स करता है व्हेन द वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर्स. जो पानी है फैक्ट्रीज से, थर्मल प्लांट्स से, वो सारा का सारा रिवर्स के अंदर, पोन्स के अंदर जाता है बिफोर कूलिंग. उससे थर्मल पोल्यूशन बढ़ता है. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ. जब ऐसा होगा तो एक्वेटिक लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट होगा? तो वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड पावर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस. और ऐसा होने से ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी को एक तो हानि पहुंचाएगा. ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट कंटामिनेटेड. और ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटामिनेटेड हमें नजर आएगा क्योंकि एक्वेटिक लाइफ उसी पर डिपेंड करती है. नाउ कम्स नॉइज पोल्यूशन. इट कैन कॉज इरिटेशन, एंगर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. और नॉइज पोल्यूशन के कारण हमें इरिटेशन की फीलिंग होती है, एंगर की फीलिंग होती है, एक तो हमें सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होने लग जाते हैं. एग्जाम्पल की बात करें जैसे मशीनरी की आवाज़ होगी, जनरेटर हो गए, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूट करते हैं. नाउ
नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ सजेशंस हम लोग देखते हैं इसमें। फर्स्ट, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेज। हम मिनिमाइज कर सकते हैं वाटर को, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं रेन वाटर की टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्यूलेंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पोन्ड्स। हम ट्रीट कर सकते हैं हॉट वाटर को, इफ्यूलेंट्स को, जब वो रिवर्स और पोन्ड्स में मिले उससे पहले। और मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए वो हम देखेंगे बाय NTPC। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब वो क्या क्या मेजर्स रहता है टू प्रोटेक्ट द नेशनल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं NTPC ने, आइए देखते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। एक तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करें। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, मिनिमाइज करें वेस्ट को और मैक्सिमाइज करें ऐश यूटिलाइजेशन को। प्रोवाइडिंग ग्रीन ब्लेंड्स बेल्ट्स फॉर नरिशिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करें, पेड़ लगाए, मोर एंड मोर ट्रीज और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखें। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और रिड्यूस करें इन्वायरमेंटल प्रदूषण को बाय अप्लाइंग दीज ऑल मेथड्स। उसके साथ साथ इकोलॉजिकल को मॉनिटरिंग करते रहे, रिव्यूज़ देखें और उसके साथ ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट को तैयार करके रखें फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस, ताकि हम समय समय पर जो भी चेंजेस है पॉलिसी में हम लेकर आ सकते हैं। और ये मेजर्स करने से हम कहीं हद तक हमारे इन्वायरमेंट को सेफली कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्लीट पार्ट कवर कर चुके हैं नोट्स का। तो अब आपको करना क्या है, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।